बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आलो सालों कई फ़ालुका, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानेट। तो व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी और लोगों को पसंद आने वाली, दावतों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, नरगिसी से बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ईजी रेसिपी बनाने सिखाऊँगी मैं आपको। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और सबको पसंद आती है, दावतों में बना सकते हैं आप इसको, बहुत आसान तरीका है, गौर से देखिएगा। आज बहुत गौर से आपने इसकी रेसिपी देखनी है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी नहीं, आपने इसको देखना है, और जो समझ में ना आए वो कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। और आज हम करेंगे आपसे बहुत सी अच्छी सी बातें। तो नरगिसी कोफ्तों का नाम सुनते ही किसी लेडीज़ का नाम जहन में आता है कि इस किस तरह बनने शुरू हुए। कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि इसका नाम नरगिसी कोफ्ते क्यों है? मैं भी बहुत बार ये सोचती हूँ कि इसे नरगिसी कोफ्ते क्यों कहा जाता है। इसका नाम सुनते ही किसी खातून का नाम जहन में आता है। क्या इसे किसी खातून ने पहली बार बनाया था जिनका नाम नरगिस था, या पहली बार बनाने वाले को नरगिसी फूल बहुत पसंद थे, या नरगिसी कोफ्ते बनाने वाले को नरगिस बहुत अच्छी लगती थी? इससे क्या जहन में आता है? क्या आपको पता है कि इसका नाम नरगिसी कोफ्ते क्यों पड़ा? नरगिसी कोफ्ते सुनते ही ऐसा जहन में क्यों आता है कि किसी खातून का नाम है? आपको इसकी तारीख के बारे में मालूम है तो मुझे बताइएगा कि इसका नाम नरगिसी कोफ्ते क्यों पड़ा। नरगिसी कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त होते हैं, टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, और आप अपनी तकरीबात में बना सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आज आपको बता रही हूँ, आपने एक एक चीज़ गौर से देखनी है, आखिर तक देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। यह हो सकता है किसी शाही खानदान के शाही डिश हो ये। किसी शेर में शायर ने नरगिस को रोते हुए भी बताया था। तो सोचते हैं, आइए ज़रूर सोचें, और आप भी सोचें, और मैं भी सोचूं कि इसका नाम नरगिसी कोफ्ते क्यों पड़ा। तो ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ होती हैं ज़बरदस्ती बातें। तो आज है यौम आज़ादी, और यौम आज़ादी बहुत ज़बरदस्त दिन है हमारे लिए, यादगार दिन है हमारे लिए। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल पढ़ने चाहिए। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है, हर वक्त बाजे बजते रहते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर शराबे करते रहते हैं लोग, और ये इनकी खुशी का वो है कि लोग चाहते हैं कि हम इस तरह खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी का इजहार नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को अज़ियत पहुँचाना है। अपने आप बच्चों को खुशी दे देते हैं, बच्चे खुश होते हैं, लेकिन बज़ाहिर आप ये खुशी नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों को सोचें जो घर में बीमार हैं, जिन्हें इन शोर शराबों से तकलीफ़ होती है, जिनके जहनों में इससे बहुत बुरा तासर होता है, जिनके घरों में माहौल ख़राब हो जाता है, जिनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं इस शोर शराबे से, और जिनको बहुत तकलीफ़ होती है, बीमार और बुज़ुर्ग हज़रात और बाज़ाफ़ा जवान लोगों को भी इन आवाज़ों से डिप्रेशन होने लगता है, तो बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपनी शुक्राने के नफिल पढ़ें, इजहार करें, किसी और तरीके से ये बाजू का फैशन ख़त्म करें, अपने घर से शुरू करें, और इससे बिल्कुल दूरी इख्तियार करें। तो इस बात पे अमल ज़रूर करें। और इसके साथ ही देखें, हमने ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लिया है कोफ्तों का। आपको मसाला पीसना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से। आजकल लोड शेडिंग का दौर है, इतनी ही लोड शेडिंग हो जाती है कि कोफ्ते बनाने के लिए, उसमें मसाले पीसने के लिए, डालने के लिए सोचता रहता है इंसान कि लाइट हो या ना हो। तो आप बग़ैर लाइट के भी ये कोफ्ते ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ मशीन का खीमा आपको लेना है, बारीक पिसा हुआ, दो तीन दफ़ा निकला हुआ मशीन से, और इस तरीके से मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है सब मसालों को, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अगर आपके हाथ में मिर्चें लग जाती हैं तो ग्लव्स पहनना ना भूलें, और ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार करें, और घर की दावत में और घर वालों को खुश करें। हमने इसमें ऐड किया है बिल्कुल बारीक क्रश हुआ अदरक, और बारीक क्रश हुई हुई प्याज, पानी प्याज का बिल्कुल भी ना हो, निचरा हुआ पानी हो, लहसुन इसमें ऐड नहीं होता। तो ज़बरदस्त सी बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इसके साथ ही मैंने बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन सब्सक्राइब करके भूल गए हैं, मेरी वीडियोस को देखना, मेरे चैनल को वॉच करना, और मुझे लाइक करना, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना भूल गए हैं, देखना भूल गए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 वापस आ जाइए, मेरी वीडियोस देखिए, और उस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए अपने। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है।
और मैं बहुत खुश होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के, उनका जवाब देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप चाहते हैं कि अगर मैं अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट रहिए, मेरी वीडियो वॉच करते रहिए और मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहिए। बहुत अच्छी और नई नई रेसिपीज़ मेरे चैनल पे होती हैं आपके लिए, आपको और आपके बच्चियों को जो नई नई खाना पकाना सीख रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स होती हैं। मेरी पुरानी नई सब वीडियोस देखें, बहुत आपको पसंद आएंगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाना सिखाती हूँ खाने बनाना, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं मेरे चैनल पर। तो उसके साथ ही हमने देखें बहुत अच्छी सी बॉल्स बना ली है कोफ्तों की और अंडा हमने इसमें बीच में रख दिया है। अगर आपकी वो फैमिली बड़ी या आपको इतने बड़े कोफ्ते पसंद ना हो तो आप इसमें काट के भी रख सकते हैं, लोग छोटे कोफ्ते बना लेते हैं। हाफ अंडा इसमें काट के रख देते हैं, एक अंडे के चार पीस भी करके रख देते हैं तो छोटे कोफ्ते बन जाते हैं। बड़ी फैमिली के हिसाब से आप छोटे कोफ्ते बना सकते हैं। ये बड़े अंडे फुल अंडे का कोफ्ता है जो आप अपनी दावतों के लिए बना सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं नरगिसी कोफ्ते, जिनके बारे में भी हमने बातें करी नरगिसी कोफ्ते और बहुत ज़बरदस्त सी बातें करी हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी, बहुत अच्छा सा मसाला भुना भुना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब इसमें हम बने हुए कोफ्ते डाल देंगे, बहुत अच्छे नरम हाथों से आपने बनाना है, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत आसानी के साथ बनेंगे। इस तरह बनाते जाएँ हाथों से, इसमें क्रैक्स ना हो। बस एक बात याद रखिएगा कि अच्छी सी बॉल्स बन जाएँ, कोई क्रैक्स ना हो, अच्छी तरीके से उलट पुलट करते रहें दोनों हाथों में और अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के बना के आप इसे दम पे रख दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसमें पानी ऐड नहीं करना, इसे थोड़ी देर रखना है और जब ये नीचे से थोड़े थोड़े सिक जाएँ, पकना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसे हिलाना है, लेकिन चम्मच बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से पतीली को लेके आपने गोल गोल हिलाना है, इससे ये नीचे से ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। इसी तरह दम पे पक के तैयार हो जाएंगे। बहुत टेस्टी मज़ेदार यमी बहुत अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए थे, बहुत अच्छी खुशबूदार जायकेदार। और ये नरगिसी कोफ्तों में जो अंडा होता है बीच में, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन कोफ्तों को, क्योंकि जब इन नरगिसी कोफ्तों में अंडा निकलता है अंदर से तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे शौक से खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो आपने ज़रूर ज़रूर बताना है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।